व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ माइनक्राफ्ट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हम लोग कैसे इस आइलैंड में आए थे और हमने एक छोटा सा अंडरग्राउंड बेस बनाया था। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी ये एपिसोड नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहां से जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या हम लोगों ने पिछले एपिसोड में किया था, नहीं तो आपको यह एपिसोड बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पे मेरा एपिसोड स्टार्ट हो गया। तो फिर सबसे पहले तो हम लोगों को कुछ वुड फार्म करना होगा, क्योंकि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कोई भी ड्राफ्टिंग टेबल नहीं बनाई थी और हम लोग को इस बार पीक एक्स और वुडन एक्स भी बनाना है, जिससे कि हम लोग स्टोन फार्म कर सकें और वुड भी फार्म करनी है। तो इसलिए सबसे पहले तो ड्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ेगी और उसके बाद हम लोग को कुछ टॉर्चेस भी बनानी। रात में बहुत अंधेरा हो गया था कल और कुछ भी दिख नहीं रहा था। एंड सबसे मेन पार्ट जो हमको करना है अभी, स्लीपिंग बैग का जुगाड़ करना कहीं से, क्योंकि स्लीपिंग बैग अभी तक नहीं बना और मान लो हम लोग मरते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, हम लोग कहीं भी रिस्पॉन लेना पड़ सकता है। इसलिए स्लीपिंग बैग बहुत बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम लोग ड्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ वुड मैं फार्म कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं ड्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं और फिर हम लोग कुछ कोल का भी सीन करते हैं, मतलब कोल देखते हैं कहाँ पर मिलेगा, हम लोग को माइंड करना पड़ेगा और स्टोन भी बनाने, क्योंकि सॉर्ड बनाने पड़ेगी स्टोन से, जिससे कि जो मॉन्स्टर का आते हैं उसको हम मार सकें। तो सबसे पहले चले थे उस आइलैंड में, देखते हैं उस आइलैंड में कुछ शीप्स वगैरह मिलती है कि नहीं, वुल वगैरह, जिससे कि कुछ फ़ायदा हो जाएगा हम लोग बेड बनाने में। तो चलते हैं उस आइलैंड में और देखते हैं कुछ शीप्स हैं वहाँ कि नहीं है। तो यहाँ मैं आइलैंड में आ चुका हूँ, सबसे पहले तो शिप सर्च करते हैं क्योंकि हम लोग को भाई ये क्या चीज़ है, ओ भाई पांडा मिल गया यहाँ पे। और पांडा भाई किसकी क्या हालचाल, सब बढ़िया भाई, इसको रख लेंगे अपने घर में भी, कितना सही लगेगा। ओ भाई इसको तो अरे मार रहा है भाई, हेलो मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। भागो भाई, यहाँ पे तो मैटर हो गया है, भागो। ना पांडा भाई है बिल्कुल गुस्से में मारे पड़ा है। सो यहाँ पे चले थे हम उस आइलैंड में, और ये क्या शहर है कि बिल्ली है, चलो इसको छोड़ते हैं। हम लोग चलते हैं शिप की तलाश में, क्योंकि हम लोग को 3 वुल चाहिए होंगे, जिससे कि हम लोग बेड बनाना है हम लोग को। सो हम लोग चलते हैं उस आइलैंड में, देखते हैं वहाँ मिलती है शिप की नहीं। और मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम लोग ड्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं, जिससे कि जो हमारी वुडन एक्स और पीक एक्स है वो बन जाए, जिससे कि मतलब माइनिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ और ड्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ। सो देखते हैं ड्राफ्टिंग टेबल के लिए क्या क्या चाहिए होता है हम लोग को। तो यहाँ पे मेरे पास स्टिक्स भी है और वुड भी काफ़ी है, मेरे पास 16 वुड है, लेकिन मेरे पास अभी प्लैंक्स नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो प्लैंक्स बना लेता हूँ वुड के, क्योंकि प्लैंक्स के बाद ही हम लोग ड्राफ्टिंग टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्लैंक्स मांग रहा है, तो सबसे पहले प्लैंक्स हम बना लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं ड्राफ्टिंग टेबल। तो यहाँ पे मैंने अपनी वुड रख दी और प्लैंक्स मेरे बन गए, तो अब चलते हैं बनाते हैं ड्राफ्टिंग टेबल और कुछ चेस्ट भी बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लूट है समय, वो फालतू में लेके चलना कि कोई मतलब नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पे बनाते हैं अपनी ड्राफ्टिंग टेबल रखते हैं और बनाते हैं हम वुड एक्स और पी कैक्स, जिससे कि हम लोग स्टोन और वुड फार्म कर सकें। तो यहाँ पे मैंने 2 पीकैक्स और 1 वुड एक्स बना ली है। हम लोग चेस्ट भी बना लेते हैं कि जिससे कि हम लोग अपनी सारी लूट रख सकें। तो यहाँ पे 2 चेस्ट में बना लेता हूँ अपनी, सो उसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पे एंड अपने सारी जो लूट है उसको रख के चलते हैं हम लोग शिप की तलाश में, क्योंकि अभी हम लोग को टॉर्चेस भी बनानी है एंड हम लोग को स्लीपिंग बैग भी बनाना है अभी। और अच्छा, हम लोग की एक और कमी, हम लोग ने गेट नहीं बनाया अभी, तो चलो गेट बना लेते हैं कि हमारे मॉन्स्टर्स घर में ना घुस पाए, इसलिए एक गेट बना लेते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर वुड और वुल फार्म करने, मतलब शिप को मारने चलते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे गेट का ऑप्शन, गेट कहाँ है, गेट 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 गेट, सो आई थिंक गेट स्टिक, हाँ स्टिक बना लेते हैं सबसे पहले और फिर बनाते हैं हम लोग गेट। सो यहाँ पे लगता है ऊपर वाले ब्लॉक पे होगा गेट, सो गेट कहाँ है, गेट गेट भाई गेट ही नहीं मिल रहा है, नाइस कोई सीन नहीं है, आई थिंक ऊपर वाले ब्लॉक्स पे गेट होगा। सो गेट हाँ यहाँ पे मिल गया गेट हमको, जंगल डोर। तो मैंने यहाँ पे 6 डोर बना लिए कि बाद में भी हम लोग को जरूरत पड़ेगी तो उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलो लगाते हैं अपना डोर और बाकी का सामान अपने लोग रख देते हैं।
सो यहाँ पे मैंने एक पिकैक्स और एक वुडेक्स ले लिया। अब बनाते हैं अपना डोर। सो यहाँ पे डोर सबसे पहले तो डर्ट डाल लेते हैं क्योंकि चढ़ने में फिर प्रॉब्लम होगी। सो यहाँ पे डर्ट मैंने हटा ली है और अब लगाते हैं हम लोग अपना जंगल डोर। बिल्कुल मज़े ही आ जाएगा कभी। और यहाँ पे डोर प्लेस करता हूँ मैं भाई, प्लेस हो जा। और ये यहाँ पे डोर प्लेस होगा, यहाँ पे लगाते हैं डर्ट से बंद करते हैं। और पता है मैं इसके बाद सोच रहा हूँ कि अपना जो बेस है वो अंडरग्राउंड से हटा के हम लोग प्रॉपर एक वुड का बेस बनाएंगे, क्योंकि बार बार अंडरग्राउंड में हम लोग को बेस ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि कहाँ बेस है, क्या है और फिर कहाँ जाना है। तो इसलिए सबसे पहले अगले पार्ट में हम लोग एक बड़ा सा बेस बनाएंगे वुड का, जिससे कि ईजी रहे कि हम लोग को ढूंढने में प्रॉब्लम ना। और भाई साहब ये कौन है? ओह आई थिंक ये जॉम्बी है। तो ये तो भाई अब पानी के अंदर निकल लिए, कोई बात नहीं। हम लोग चलते हैं और देखते हैं शिप कहीं मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं अपने बेस के पीछे जो मेरा आइलैंड है वहाँ चल कर देखता हूँ कि वहाँ पे शिप वगैरह मिलती है। और यहाँ पे एक मुझको शिप मिल गई है, चलो उसको पहले मार लेते हैं। और यहाँ पे मुझको एक वुल मिल चुका है और आई थिंक मैं स्काउस को भी मार लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत फूड और लैदर मिल जाए। कि लैदर का हम लोग अभी आर्मर भी बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग को फ़ायदा होगा मॉन्स्टर वगैरह से फाइट करने में। तो यहाँ पे पिक भाई साहब आप भी मान लो। तो यहाँ पे पिक से भी कुछ मटन मिल गया हमको। यहाँ पे एक और काउ, इसको भी मारते हैं। उसके बाद चलते हैं फिर देखते हैं अपना टॉर्चिस का क्या सीन है, मतलब टॉर्च बना लेते हैं। ओ भाई साहब ये क्या है? अरे ये तो बिल्ली है। ओ भाई भाई भाई, भाई कितना उछल रही है। कोई नहीं, इसको छोड़ते हैं, चलते हैं हम लोग बाकी काम देखते हैं। भाई इसकी स्पीड कितनी फास्ट है, मतलब बिल्कुल मतलब रियल लग रही है, बिल्कुल स्पीड देखो कैसे भाग रही। चलो छोड़ो, अब चलते हैं हम लोग अपने मेन पार्ट में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोल हम लोग को कहाँ मिलता है। तो कोल फार्म करके हम लोग को टॉर्चेस भी बनानी है अभी। सो मैंने कल आई थिंक देखा था कि यहाँ पे कहीं गुफा थी, वहाँ पे कोल मिल रहा था। सो देखते हैं यहाँ पे डर्ट को हटाते हैं चलो। और यहाँ पे हाँ आई थिंक ये था, तो यहाँ पे हम लोग को कोल मिल गया है। सो इसको फार्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को बनानी टॉर्चेस, क्योंकि रात में अंधेरा काफ़ी हो जाएगा। सो देखने बहुत आसानी रहेगी। और भाई साहब ये कोल पानी के अंदर चला गया आई थिंक। हाँ नाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग और फार्म कर लेते हैं। और यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से मैं 10 के अराउंड से मुझको कोल मिल जाएगा। 10 के अराउंड का मतलब है आई थिंक हम लोग 10 से 15 हम लोग टॉर्चेस बना सकते हैं, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ 4 या 5 बनाएंगे और उसके बाद घर के चारों तरफ लगा देंगे, जिससे कि जो लाइट है वो ज़्यादा दूर तक जाए, क्योंकि उससे पता चलेगा कि बेस हमारा कहाँ पे है। तो इजी लगा बेचते हैं, यहाँ का सीन तो कंप्लीट हो गया। सो अब आई थिंक टॉर्च बनाने के लिए हम लोग को स्टिक्स भी चाहिए होंगी काफ़ी। और ये क्या चीज़ है? ये भी लगता है मॉन्स्टर है। सो कोई दिक्कत नहीं, लोग चल के बना लेते हैं अपने टॉर्चेस। और टॉर्चेस से पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर के ऊपर टावर बना लेते हैं, जिससे कि दूर से हम लोग अपने घर को आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ भाई साहब यही आना है हमको। तो यहाँ पे एक टावर बना लिया मैंने और टावर कतई जहर लग रहा है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग बना लेते हैं टॉर्चेस। तो टॉर्चेस बनाने के लिए हमको लगेगा कुछ कोल और एक स्टिक्स लगेंगी। सो हम लोग अपनी चेस्ट से निकाल लेते हैं कुछ स्टिक्स, और यहाँ पर मैंने स्टिक निकाल ली है। और अब स्टिक और कोल को मिला के हम लोग बनाते हैं कुछ टॉर्चेस। सो आई थिंक एक स्टिक और एक चारकोल से हम लोग बना सकते हैं 4 कुछ टॉर्चेस। तो यहाँ पे टॉर्च बन गई है, उसके बाद हम लोग लगा लेते हैं अपने पूरे घर में, और कती दिवाली वाला फील आ जाएगा। सो ये बाकी का सामान हम लोग रख देते हैं अपनी चेस्ट में। फूड वूड जो हम लोग अभी लाए थे वो पिग और काउ को मार के, तो यहाँ पर रख देते हैं सारा मटन अपना। और अब लगाते हैं हम लोग टॉर्चेस। तो यहाँ पे पहले हम लोग अपनी इन्वेंटरी में उसको रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो ये टॉर्च प्लेस हो गई, भाई कितना हो जेला हो गया एक टॉर्च से। सो मैं सोचा कुछ टॉर्च घर के बाहर भी लगा देते हैं, जिससे कि दूर से अपना घर दिख जाए। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। सो अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अपना बेड बनाएंगे और एक बहुत ही बेहतरीन बेस बनाएंगे। सो
सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।